Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparations भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, I hope आप सभी के बीच एक और जबरदस्त job की update को लेकर जो कि direct निकल करके आ रही है CRPF की तरफ से General Duty यानी GD Constable Recruitment 2023 के लिए. फ्रेंड्स, CRPF यानी कि आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स की बम्पर नंबर की वैकेंसी आने वाली है. ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी. मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है. सो फ्रेंड्स, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है जिसके द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि बहुत जल्द हम सभी के बीच ये बम्पर नंबर की वैकेंसी आउट हो जाएगी. सो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल वे में बात करने वाले कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको बताने वाली हूँ कि आपका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम की पैटर्न क्या रहेगी, फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी. तो सारा कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. जैसा कि फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया है कि वैकेंसी निकली है सीआरपीएफ में जीडी कांस्टेबल्स की पोस्ट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपका रहने वाला है 129,929 सीट्स के लिए ये वैकेंसी आने वाली है. इसमें आपको 10% सीट जो है रिजर्व्ड रहने वाले हैं, जो आपको अग्निवीर के एक्स ऑफिशियो रहेंगे ना, मतलब जो रिटायर होके अग्निवीर से आएंगे 4 इयर्स के बाद, उनके लिए यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा. तो चलिए अब हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए क्या क्या सीट यहाँ पे रखा गया है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि मेल्स के लिए यहाँ पे 125,262 सीट्स रहने वाला है. फीमेल्स की बात करूँ तो 4,467 सीट्स पे ये वैकेंसी आने वाली है. सो ओवरऑल 129,929 सीट्स रहेगा. इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑफिशियली जो है एक नोटिफिकेशन के साथ सभी को अनाउंस कर दिया था कि आपको अप्रॉक्स 1.3 लाख यानी जितना नंबर ऑफ सीट्स आपको बताया है इतना सीट वेकेंट है, तो बहुत जल्द ही वैकेंसी एक्सपेक्टेड है आपको. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सेप्टेम्बर टू अक्टूबर के बीच में ये फॉर्म हमारे बीच एकदम से आ ही जाएगा. रही बात फ्रेंड्स एग्जाम के डेट की, तो जैसे ही फॉर्म आएगा बच्चों को तो पहले से अनाउंसमेंट के थ्रू पता ही है, तो सब तैयारी में लग ही जाते हैं. तो आपका जो एग्जाम है ना, वो आपको नवंबर टू दिसंबर 2023 में कंडक्ट करा लिया जाएगा. सो अपनी प्रिपरेशंस की स्पीड को अच्छी रखनी है ताकि हम किसी भी कारण से छूट ना जाए. सो फ्रेंड्स, अब आपको बता दूं फॉर्म की फी क्या रहेगी. तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज लिया जाएगा. वहीं अगर आप एससी एसटी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, एक सर्विसमैन हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपसे यहां पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे. अब बता दूं फ्रेंड्स कि एज लिमिट क्या होने वाला है. तो इसमें एज लिमिट आपका मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 23 इयर्स देखने को मिलेगा. यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा. ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड और भी जो भी कैटेगरीज को मिलता है उसका लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और देख लेना. Now it's time to know educational qualifications. तो friends, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो educational qualification की eligibility criteria है, वो आपको बस 10th pass आप हो और या आपके पास कोई 10th के equivalent degree है इंडिया के किसी भी recognized university, board या फिर school का, तो आप एकदम eligible रहने वाले हो इस form को apply करने के लिए. सो नाउ लेट मी टेल यू द सेलेक्शन प्रोसेस. योर सेलेक्शन प्रोसेस विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स फिजिकल, देन आपका होगा मेडिकल, उसके बाद आपका होता है रिटन एग्जाम. तो चलो मैं आपको रिटन एग्जाम की पैटर्न बता देती हूँ. फ्रेंड्स, ये आपका जो एग्जाम होता है ना, ये ऑफलाइन होता है, ओ एम आर बेस्ड यानी पेन एंड पेपर बेस्ड आपका होने वाला है.
100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा 100 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। प्लस यहाँ पे आपको 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। तो सावधानी पूर्वक आपको एग्जाम देना होगा, इसलिए तैयारी फ्रेंड्स आप जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह से कर लेना, ताकि बाद में वहां जाके आपको दिक्कत ना लगे। खुद से कैलकुलेशंस भी करोगे तो वो ज्यादा सही रहता है। तो चलो एग्जाम का जो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है वो बता देती हूँ। आपका रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। एलिमेंट्री मैथ्स के लिए आपका रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। देन फ्रेंड्स आपका जो है रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। आपको एलिमेंट्री मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रहेगा। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रहेंगे। अगर आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर लेते हो उसका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए रहेगा। सो ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। सो अब बारी आती है आपकी फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होती है उसकी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो है हाइट मेजरमेंट किया जाता है। मेल के लिए फ्रेंड्स आपका मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो है मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट की जो यहाँ पे होती है मेजरमेंट, तो 80-85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर है और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का, तो 80-85 सेंटीमीटर। अब बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग का टेस्ट होता है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 5 किलोमीटर्स की रनिंग होती है 24 मिनट्स में एंड फीमेल्स के लिए ये रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की 8 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करना होता है इसको। सो फ्रेंड्स आपको मैंने सारी बेसिक डिटेल तो बता दी, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एंड फिजिकल का क्राइटेरिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मैंने ये सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे क्या सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपका सैलरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है फ्रेंड्स। आप जैसे ही ज्वाइन करते हो यहाँ पे आपका सैलरी 21,700 टू 69,100 का रहने वाला है। लेवल 3 का सैलरी रहेगा और इसमें फ्रेंड्स अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, अच्छे पर्क्स एंड अलाउंसेस देखने को आपको मिल जाएंगे। अब बारी आती है जॉब की लोकेशन की। तो योर जॉब लोकेशन विल बी एज पर एलोकेटेड बाय द CRPF। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो भी आपको बेसिक डिटेल बताए हैं CRPF GD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज और भी ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जाओ और जल्दी से फॉलो कर लेना। एंड अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दो आप, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए। सो या फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।